सो वी विल स्टडी टे इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटिस एनर्जी क्या इम्पॉर्टेंस है लेटिस एनर्जी की इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू आइनिक सॉलिड्स ऑब्वियसली लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आइनिक सॉलिड देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट जितना ज्यादा हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट होगा वेन लेटिस एनर्जी इज हाई तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी हायर Then solubilities of ionic solids. Ionic compounds are generally soluble in water and other polar solvents, but insoluble in CCL4 and benzene. Now like dissolves in like polar compound you have a polar compound may dissolve hoga. non polar compound non polar compound may dissolve. Hoga. So therefore ionic compounds are soluble in water uh, and but they are not soluble in uh, CCL4 and बेनजीन बिकॉज सीसीएल फोर और जो बेनजीन है दे आर नॉन पोलर कंपाउंड क्रिस्टल्स विद हाई लेट इज एनर्जी आर वेरी हार्ड दे आर हार्ड बिकॉज द स्मॉलर द इंटर आइनिक डिस्टेंस हार्डर इज द आइनिक क्रिस्टल तो जितना कम इंटर आइनिक डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा उनकी हार्डनेस होगी देन वी हैव सोलवेशन एनर्जी एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ आइनिक सॉलिड्स सो वॉट हैपन्स वेन एन आइनिक सॉलिड इट गोज इन टू द सोलूशन द स्ट्रॉन्ग फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्सम एंड क्रिस्टल तो क्या होता है जब भी हम किसी आइनिक सॉलिड को डिजोल्व करते हैं किसी भी सोलवेंट में तो वो डिजोल्व कैसे होगा इट विल गेट डिजोल्व वेन इट्स लेटिस एनर्जी दैट विल बी ओवरकम वाय द सोल्वेशन एनर्जी तो तभी वो उसका क्रिस्टल लैटिस रेप्चर होगा टूटेगा और तभी वो उस सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा और जो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस फॉर सॉल्वेशन ऑफ आइन्स इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी तो वो जो एनर्जी जिसकी जरूरत होती है आपका क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए और आपके सॉल्यूट को सोल्यूबल करने के लिए वॉटर में दैट एनर्जी वॉटर और एनी सॉल्वेंट दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द सॉल्वेशन Energy. एनर्जी देन नेक्स्ट वी हैव सो हाउ इट है स्टडी दैट सो वेन द लो सॉलिबिलिटीज ऑफ so when an ionic solid, जब कोई भी आइनिक सॉलिड सॉलिड को हम वॉटर में डिजोल्व करते हैं या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं द cations एंड एनाइंस प्रेजेंट इन द सॉलिड आर attracted by ऑपोजिट ends ऑफ द मॉलिक्यूल्स सो आई शो यू here. ये देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ये आप मान लीजिए आपने कोई भी आयनिक सॉलिड लिया है और यू आर डिजॉल्विंग इट इन वॉटर तो वॉटर में इस तरह का डाइपोल क्रिएट हो जाएगा बिकॉज इट हैज हाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इट इज अ पोलर कंपाउंड पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉजिटिव एंड है दैट विल सराउंड नेगेटिव आयन ऑफ द आयनिक सॉल्यूट डिजोल्विंग उस आयनिक सॉल्यूड के आयन को ये सराउंड कर लेगा जिसको आप डिजोल्व कर रहे हैं सिमिलरली जो पॉजिटिव आयन है या जो कैटाइन है आपके आयनिक सॉलिड का दैट विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव एंड ऑफ डाईपोल ऑफ वॉटर इस तरह सो so, जो इस तरह की व्हेन दिस काइंड ऑफ इंट्रेक्शन इट इज देयर सो वॉट हैपन्स एज अ रिजल्ट देर इज स्ट्रॉग इंट्रेक्शन बिट्वीन सॉल्वेंट एंड आइन्स रिजल्टिंग इन सोलवेशन ऑफ आइन्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंट्रेक्शन हो जाती है आपके सोलवेंट और आइन्स से जिसकी वजह से सॉल्वेशन ऑफ आइन्स हो जाती है एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस इन केस ऑफ वाटर दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं इस एनर्जी को क्योंकि ये जो प्रोसेस है इस तरह का स्ट्रक्चर बनने की दैट इज अ एक्जोथर्मिक प्रोसेस एग्जोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है दिस प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इफ द इफ इट इज दिस एनर्जी विच इज यूटीलाइज इन कॉजिंग रक्चर ऑफ क्रिस्टल लाइटिस इस एनर्जी को हम यूज करते हैं को को क्रिस्टल ब्रेक करने के लिए द लिक्विड विच कॉज ग्रेटर सोलवेशन ऑफ आइन्स एंड रिलीज लार्ज सोलवेशन एनर्जी आर गुड सोलवेंट्स ऑब्वियसली ऑल दोज लिक्विड विच हैव हाई दिस सोलवेशन एनर्जी वो गुड सॉल्वेंट्स होंगे क्योंकि एक किसी भी इफ uh, uh, किसी भी आयनिक सॉलिड को वाटर में डिजोल्व होने के लिए वॉट इज द प्रायर रिक्वायरमेंट कि उसकी जो सॉल्वेशन एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द लेटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए लेटिस एनर्जी से एंड जो इस तरह के आपके सॉल्वेंट्स होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी हाई होता है So, this is this is what I was saying. In general, for a solid to dissolve in a particular solvent, its solvation energy should be greater than the lattice energy of the solid. Now we have a specific case here. Reasons for low solubilities of silver silver halides. A compound is, I have told you before also, a compound is soluble in water if solvation energy is more than the lattice energy. We have here a special case of. Uh, silver halides. So uh, there are few other compounds like calcium oxalate, barium oxalate, barium sulfate, lead sulfate, in which what, uh, which um, they have low solubilities and what in water, and they can be explained on the basis of their high lattice energies. Ab, these compounds are like calcium oxalate, barium sulfate, lead sulfate. They are not soluble in water. वाई बिकॉज उनकी जो लेटिस एनर्जी है दैट इज वेरी मच ग्रेट एज कम्पेयर टू जो वॉटर की हाइड्रेशन एनर्जी है तो हाइड्रेशन एनर्जी इज नॉट इनफ टू ओवरकम देअर लेटिस एनर्जी रीजन लेकिन यही केस जो है आपके सिल्वर हेलाइड के साथ नहीं है जो आपके सिल्वर हेलाइड है लाइक सिल्वर क्लोराइड सिल्वर प्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड इनकी जो लेटेस्ट एनर्जी है दैट इज कम्पेयरेबल टू दैट ऑफ एल्कली मेटल्स और आपने एल्कली मेटल्स देखे होंगे इनके जो halides होते है लाइक लिथियम क्लोराइड ले लो सोडियम क्लोराइड ले लो सोडियम ब्रोमाइड लिथियम आयोडाइड कोई भी एल्कली मेटल का हेलाइड ले लो दे आर हाईली सोल्यूबल इन वॉटर फिर ऐसा क्यों है कि जो आपके सिल्वर दे आर नॉट इन द रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आप सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखिये एजी पॉजिटिव जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है जब ये बॉन्ड बनाता है इट इज फोर डी टेन फाइव एस जीरो फाइव बी जीरो और सिल्वर हैलाइड्स में क्या होगा आपके सॉरी आपके एल्कि मेटल्स में क्या होगा मेटल्स में एन एस जीरो होती है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होती है तो ये देखिए हेयर देयर आर डी इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ योर सिल्वर सो द डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन जो डी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है दैट इज नॉट गुड दिस आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो क्योंकि जो डी आपका ऑर्बिटल होता है इसका जो पेनेट्रेशन इफेक्ट है दैट इज वेरी पुअर ड्यू टू इट्स डिफ्यूज शेप तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है उनको प्रॉपरली शील्ड नहीं करता तो एज अ रिजल्ट क्या होता है जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं सो द डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम आउटर इलेक्ट्रॉन्स लेस इफेक्टिवली एज कंपेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर डी बिकॉज देयर दैट इज डी इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर पेनेट्रेशन इफेक्ट वाइल्ड वाइल जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं इनमें एस uh, एस और elect, uh, और ऑर्बिटल्स हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं तो एस ऑर्बिटल्स का पी ऑर्बिटल्स का दे हैव गुड पेनेट्रेशन इफेक्ट तो उनका जो शील्डिंग है दैट इज इफेक्टिव तो एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उस पर फर्क नहीं पड़ता ज्यादा जितना कि इसमें डी इसमें सिल्वर के केस में पड़ता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स देर फोर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाई एजी पॉजिटिव इज मच मोर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन एल्कली मेटालाइंस ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज द एजी पॉजिटिव जो ए जी पॉजिटिव है इट अंडरगोज ग्रेटर पोलराइजेशन इसमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो जाती है क्योंकि इसका इट इज एक्सपीरियंस ई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इट चेंजेस फ्रॉम प्योर आइनिक कैरेक्टर टू कोवलेंट कैरेक्टर अभी हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में वी विल स्टडी कि क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक कोवलेंट कैरेक्टर की कैसे एक कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होता है तो अभी तो यू शुड रिमेंबर दैट वॉट हैपन्स ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेशन देयर इज एप्रिशिएबल चेंज इन uh, जो इसका कैरेक्टर है सिल्वर का फ्रॉम प्योर आयनिक कैरेक्टर टू कोवेलेंट कैरेक्टर एंड देयर फोर सिल्वर हैलाइड्स आर लेस आयनिक इनकी आयनिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज अराइज हो जाती हैं, और उसकी वजह से वाटर में इनकी सोलिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट थैंक यू